Special level and your what is the inspiration to start both these venture? क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आप सारे लोग यहाँ पे आए और ये जो आज का दिन है इसके लिए मैं काफी टाइम से वेट कर रही हूँ. काफी सारी चीजें मैंने कंप्लीट की, रेडी किया, इस चीज को यहाँ तक लाने के लिए मैंने काफी मेहनत की है. ये चीज जो मेरी खास जो इसका मैंने स्टार्ट किया है, अभी मेरा ये फर्स्ट है. सेकेंड से शायद आप लोगों के लिए या सेकेंड टाइम जब आप लोग आए तो और अच्छी चीज़ें आप लोगों के सुनीता कुछ फेमस मॉडल एक्ट्रेस की क्या कहता है कि ये कितना फायदेमंद होगा आपके लेवल को जो ना एक ब्रांड इमेज क्रिएट करने में मार्केट में तो इनिशियली एथलीट मतलब आपने नेशनल भी खेला है, तो क्या इंस्पायर्ड किया आपको इस वर्ल्ड में आने के लिए? अभी तक जो अपने अचीवमेंट्स किया है उससे कितने सेटिस्फाइड हैं और आगे का क्या विजन इश्यूज को लेकर? अभी तो और ये जो एंटरटेनमेंट से भी रिलेटेड जो चीज़ें मैं लेकर आई उस पर मैं कोशिश करूँगी कि जो जो लोग जो सिंगर हैं अच्छे, जो मतलब गाना चाह रहे हैं मतलब यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि उनको भी ये प्लेटफॉर्म दूँ कि उनके लिए एक अच्छा सा सिंगिंग से रिलेटेड कोई अच्छी चीज़ें वो करके दिखाएँ. तो अभी तक आपने मॉडलिंग तो किया है, प्लस जिन्होंने म्यूजिक में काम किया है, फिल्म टेलीविजन के आज के दौर में बड़ा मीडियम है, शोज बहुत बड़ा मीडियम हो चुका है, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, कितना एक्सपोर्ट करना चाहेंगे आगे चल के? अगर मेरे सॉन्ग अगर कोई हिट होते हैं और अगर कोई मूवी पे जाना चाहे कोई मूवी पे लेना चाहे तो आज का क्या आज काफ़ी फ्रेंड्स और फैमिलीज के लोग आए बहुत सपोर्ट किया अपने वेंचर के लिए, तो उनके बारे में क्या कहना चाहिए? ये सारे लोग यहाँ पे आए और एक तो फर्स्ट तो आप लोग यहाँ पे आए इसके लिए थैंक यू सो मच, क्योंकि आप लोग के बिना यहाँ पे कोई भी चीज़ हाईलाइट हो ही नहीं, तो आप लोग के बिना ये सारी चीज़ें करने की पॉसिबल नहीं थी. आप लोग है और यहाँ पे जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह आए हैं ये सारे लोग हमेशा हर एक को सपोर्ट हुआ और हर एक को बिना सपोर्ट के आप कोई भी चीज़ कर भी नहीं सकते, चाहे वो फ्रेंड हो या फैमिली हो या मीडिया हो कोई भी चीज़, तो हर एक चीज़ का एक अपने इस पर एक टाइम होता है और हर एक की ज़रूरत होती है, तो सारी चीज़ें जब एक साथ होती है तब एंड लास्ट क्या विजन है, क्या स्टेप्स फर्दर उठाने वाली है? मतलब आज आपने लॉन्च कर दिया, आज बड़ा दिन आपके लिए, लेकिन फ्यूचर प्लानिंग भी होगी इस चीज़ को लेकर, कैसे एक विजन मतलब आप बड़ा एक ब्रांड क्रिएट करने वाली हैं फ्यूचर में? मेरा यही होगा कि इसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सामने लाऊं और लोगों को अच्छा प्लेटफॉर्म और आपकी सबका सपोर्ट हो, आपको एज अ मॉडल और एक्ट्रेस तो हमने देखा ही है, अब आप फैशन डिज़ाइनर भी बन गई है, तो क्या मतलब इसके लिए प्रिपेयर करना पड़ा आपको, और अगर जर्नी के बारे में बात करें मॉडलिंग से लेके अब तक कैसी रही है, कुछ बताया आप उस बारे में? मैंने कोई फैशन से रिलेटेड मैंने कुछ सीखा नहीं है, मैं कोई डिज़ाइनर नहीं हूँ, बट मुझे ये चीज़ मालूम है कि आज का जो टाइम है, आज की जो लड़कियाँ हैं उनको क्या चाहिए और वेस्टर्न ड्रेसेस में वो क्या पसंद करती है अगर, और हमारे जो ड्रेस है वो कैजुअल वेयर है, नॉर्मली आप ऑफिस में भी पहन सकते हैं और नॉर्मली एक अगर आप डेली उसके भी यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, और काफ़ी अच्छी चीज़ें आप लोगों ने देखा वो अच्छा पसंद आया. आपके लिए फैशन क्या है, आप फैशन को कैसे डिफाइन करते हैं? मेरे लिए फैशन क्या है, फैशन लोगों के सामने आना चाहिए, जिसे लोग पसंद करें और एक अलग सा हटके होना चाहिए, क्योंकि फैशन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं लेकिन हर एक से थोड़ा सा चेंज, थोड़ा सा अलग कुछ करने का और कुछ करके लाए, वो सारी चीज़ें
लास्ट कोशिश ओके लास्टली रेनी सीजन चल रहा है, कोई टिप्स शेयर करना चाहेंगे जो ऑडियंस आपको देख रही है? बारिश तो सबको अच्छी लगती है। मतलब कैसे खुद को मेंटेन करना चाहिए, कैसे कपड़े पहनने चाहिए, नॉल अगर कुछ टिप्स शेयर करना चाहें? बारिश में आपको ज़्यादा हैवी तो कोई भी पहनना नहीं चाहेगा। ड्रेसेस तो सारे अच्छे होते हैं बट मौसम के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आपको बारिश में लोग प्रिंटेड फ्लावर्स और थोड़ी नॉन कलर ये सारे पसंद करते हैं। ओके थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।